फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। और आज है थर्सडे और आज मेरा जो फास्ट होता है ना वो मैं एंड करने वाली हूँ। हमारे लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि जो व्रत कर रहे हैं वो सौंपने जा रहे हैं। तो मैं कौन सा व्रत करती हूँ, तो बृहस्पतिवार का व्रत करती हूँ, विष्णु भगवान का व्रत करती हूँ। तो सुबह मैं किचन में आई, फटाफट से यहाँ पर दलिया बनाया पापा और बेटे के लिए, मतलब पति देव और जीतू के लिए। जीतू का दलिया निकाल कर रख दिया, उसमें खूब सारा घी डाला है, गाय का घी है। और यहाँ पर जीतू अभी सो रहा है तो मेरे पैर ऐसे भाग रहे हैं कि मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करूं और जीतू के उठने से पहले मैं पूजा कर लूं या जो तैयारी है वो कर लूं तो मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। तो आज मुझे बहुत सारा चीज़ बनाना था भोग लगाने के लिए। तो ये जो कार्टन है ना, कार्टन के हेल्प से मैंने ये स्टोरेज बॉक्स बनाया हुआ है मंदिर का। अभी मैंने स्टोरेज बॉक्स नहीं लिया है मंदिर का, तो जब लूँगी तब लूँगी, बट फिलहाल सामान कहाँ रखूँगी ना, पूजा के बर्तन कहाँ रखूँगी। तो ऐसा है, इसे बर्तन गंदे भी नहीं रहते, सिस्टमेटिक भी रहते हैं, सारी पूजा की चीज़ें एक जगह रहती हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया? तो यहाँ से मैंने बड़ी वाली प्लेट निकाली और जो छोटी छोटी कटोरियाँ हैं वो निकाली, क्योंकि मुझे जो भी भोग लगाना है उसको मैं उसमें कटोरियों में रखूँगी। तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन धो नहीं रही हूँ, उनको वाइप से पोंछ देती हूँ, क्योंकि जब बर्तन धोंगी ना तो गीले हो जाएंगे और प्रसाद वगैरह सब गीला हो जाएगा, तो वो स्टिकी स्टिकी सा हो जाता है। तो इन मैंने यहाँ पे बनाया है बेसन का लड्डू, अभी बस ये तैयार है, लड्डू बनाना बाकी, अभी गीला गीला है। तो फिलहाल तो मैंने प्रसाद को रख दिया कटोरियों में। फिर मैं यहाँ पे फूल ले रही हूँ, ये पतिदेव सुबह लेकर आए थे, 10 रुपये का फूल देता है, बहुत सारा क्वान्टिटी रहता है, तो एक दिन लाते हैं तो मैं 2 दिन तक यूज़ कर लेती हूँ, क्या कर सकते हैं ना। फिर पूजा के बर्तन को मैं रात में ही धोकर रख देती हूँ टेबल के नीचे, ताकि जो वाटर है निकल जाए। और आज के दिन ना बहुत कन्फ्यूजन रहता है मेरे लिए, मैं अलग अलग जल यहाँ पे लेती हूँ, तुलसी जी का अलग लेती हूँ, सूर्य भगवान का अलग लेती हूँ, और आचमनी करने का जल अलग लेती हूँ, फिर केले के वृक्ष में जल डालने के लिए अलग से जल लेती हूँ। तो ऐसे सब कुछ मैं साथ में लेके बैठती हूँ, क्योंकि मेरे से ना बार बार उठना बैठना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जीतू जगा रहता है। फिलहाल तो जीतू सोया हुआ है तो मेरे पैर ऐसे भाग रहे हैं कि मैं फटाफट से कैसे मेरा काम कम्प्लीट करूँ। तो मैं सारा सामान लेकर आ गई पूजा रूम में, और मैं यहाँ पर सबसे पहले आसनी बिछाऊँगी। ये है तो वैसे बड़ा आसनी, बट मैं ऐसे डबल करके बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे सिंगल बैठना होता है, और जीतू उठ के बैठता भी तो मेरी गोद में बैठता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रसाद वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, थाल वगैरह सब रख लिया है, और ये जीतू अब उठने वाले हैं, मेरा पूजा स्टार्ट होने से पहले उठ के बैठ गए हैं। मतलब ऐसा है कि उसको पता चल गया है कि मम्मा पूजा करने वाली, मैं कैसे शांत रह सकता हूँ। तो आजकल हम लोग यहाँ नीचे सो रहे हैं, क्योंकि ना जीतू ना बहुत उठ रहा है रात में, रोने लगता है कभी कभी, तो रोहित की नींद नहीं पूरी होती है, और सुबह ऑफिस जाना रहता है ना, तो मुझे देखे बड़ा बुरा लगता है कि मैं तो घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, उनका तो पूरा दिन भाग दौड़ का होता है, तो छोड़ो जाने दो, अभी ये मार्च मंथ जो है थोड़ा सा हेक्टिक है उनके लिए, तो उनकी नींद पूरी होना ज़रूरी है, इसलिए मैं और जीतू यहाँ नीचे सोते हैं। सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह से इतना सारा काम हो गया है और जीतू अब सो के उठे हैं, वही मुझे लगा कि आज का पूजा मैं कैसे इसके बिना कर लूँगी, लग रहा था कि उठ जाएगा। पता नहीं आवाज़ भी आज भारी है, मतलब अभी तक डेली जब मैं पूजा करती हूँ तो जीतू साथ में ही रहता है, साथ में पूजा करता है मेरे साथ, इसको सब चीज़ पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। और मैं फिराक में थी कि सोया हुआ है तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, हाँ तो वो पता चल गया मम्मा क्या सोच रही थी। चलिए गाइस, टाइम बिना वेस्ट किए हुए पूजा करती हूँ। सभी लोगों के व्रत करने की विधि अलग होती है, व्रत उठाने का अलग विधि होता है, व्रत उठाने का भी अलग विधि होता है। मैं मेरे हिसाब से जो करती हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ, वो बता रही हूँ। यहाँ मेरा जो बास्केट है फूल वाला वो पूरा फूल से भर गया, तो सबसे पहले मैं यहाँ गणपति जी को फूल अर्पण कर रही हूँ, वो गणपति जी को ही फूल अर्पण करके उनकी पूजा करके नमन करके ही पूजा आरम्भ करती हूँ। फिर विष्णु भगवान को अलग बिठाया मैंने चौकी पर, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा कर रही हूँ आज, इसलिए तो यहाँ पर मैंने सारे भगवान के पास फूल अर्पण कर दिया। फूल एकदम ताज़े ताज़े पीले पीले हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, 2 दिन में फूल ख़राब नहीं होता, मेरे साथ मजबूरी है इसलिए मैं 2 दिन यूज़ करती हूँ। फिर ये मैंने आरती की थाल तैयार की है, जिसमें एक मैं 1 रुपये का सिक्का रख रही हूँ, हर दिन मैं ऐसे ही करती हूँ। और जब ये मतलब पूरा मंथ कम्प्लीट हो जाता है तो वो जो पैसे होते हैं वो इकट्ठा मैं किसी को दे देती हूँ, चाहे दूध वाले भैया को, वो अपने गाय को खिला दे कुछ उस पैसे से, या किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने पूरा प्रसाद का थाल तैयार कर लिया है, फाइनल हो गया है, यहाँ पर बस गुड़ रखना बाकी था वो रख दी हूँ, और तुलसी जी का पत्ता हर एक कटोरी में रख देती हूँ जो भोग लगाना है, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता बहुत ही प्रिय है, उसके बिना तुलसी
आपके पता की बना पूजा अधूरा है, तो यहाँ पे है साबुदाने की खीर, अंगूर है, ये एप्पल है, पपीता है, चना दाल, गुड़ है और तुलसी जी का पत्ता है, ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे बेसन का हलवा भी फिलहाल तो दिख रहा है लेकिन बाद में मैं लड्डू बना लूँगी, वो गर्म गर्म था ना तो ऐसे फैल गया है। और मैं तो बाहर में पहले पूजा कर चुकी हूँ यहाँ पे तुलसी जी का, फिर आई हूँ घर में, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले भी दिखा चुकी हूँ, अगर आपने मेरे पुराने वाले ब्लॉग में देखे तो प्लीज़ आकर देखिए। तो यहाँ विष्णु भगवान के सामने मैंने जल रखा है, जल में है अच्छा चंदन फूल, किशमिश, चना दाल, मुनक्का, सब कुछ रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे आ गई, अब पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले किताब लूँगी और विष्णु भगवान को जो कुछ भी उन्होंने आज तक दिया है, जो भी मेरी मुराद पूरी हुई है उसके लिए धन्यवाद करूँगी, और आगे का जो भी मुझे मांगना है, मन्नत मांगना है या कुछ ऐसे व्रत का संकल्प लेना है वो लूँगी, और वो सब मान कर प्रणाम कर कर मैं किताब पढ़ना शुरू करूँगी। किताब पढ़ के हो गया है और मेरा पूजा करके भी हो गया फाइनल वाला, तो कुछ इस तरीके से मेरी पूजा हो चुकी है। अब यहाँ पे ये जो जल है जो विष्णु भगवान के पास में रखा है, तो ये जो जल है ये केले के पेड़ में डाला जाता है। इसमें पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि सब कुछ रहता है, चना का दाल, गुड़, तुलसी जी का पत्ता, अच्छा चंदन, हल्दी, सब कुछ रहता है, और ये पूजा सम्पन्न होने के बाद बाहर केले के पेड़ में डाल दिया जाता है। यहाँ कच्छप रूपी विष्णु भगवान भी हैं तो उनको भी मैं जल डाल देती हूँ और फूल से फूल चढ़ाती हूँ, फिर कुमकुम ऐसे अभिषेक करती हूँ, सारे भगवान के साथ ऐसी पूजा करती हूँ। वैसे मैं डेली पूजा विधि आपको अलग से एक ब्लॉग में शूट करके दिखाऊंगी। जब मुझे आरती करना होता है तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, वैसे फनी है बट क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मैं जो भी करती हूँ वो अच्छे से उसको विजुलाइज करता है, नोटिस करता है, उसको सब पता रहता है कि मम्मा का पूजा ख़त्म हो गया, कब आरती करेगी, कब क्या करेगी, और ये हमेशा आजकल ना पीछे ऐसे हाथ डाले रहता है, उसकी आदत हो गई, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ आरती करने के लिए, तो आरती जैसे ही मैं आरती का बुक लूँगी या थाल उठाऊँगी, दिया वाला थाली है ना, तो जीतू आके घंटी उठाता है और वो या तो मेरे गोद में बैठ जाएगा नहीं तो खड़ा रहेगा और घंटी बजाते रहेगा कंटिन्यूअस। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो देख रहा है, सीख रहा है, उसको भी पॉजिटिविटी मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है भगवान जी का। और इस तरीके से मैं बुक लगा देती हूँ आरती का ऊपर में, और मेरे लिए आरती करना आसान हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग से लाइन स्किप हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए बेटर है कि किताब सामने में रहे। पहले एक हाथ में किताब रखती थी, एक हाथ में हाथी आरती का थाल रखती थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जीतू को भी हैंडल करना रहता है, कभी वो अचानक से आता है, दिया छू देता है, कभी कुछ हरकतें करता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं वहाँ क्लिप लगाकर बुक जो है टांग देती हूँ और आराम से फिर मैं आरती करती हूँ निश्चिंत होके, और थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जीतू को भी इंटरटेन करती हूँ कि वो ऐसा वैसा हरकत नहीं कर रही। तो आजकल देख रही हूँ ना वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ना वहाँ पर वो टिप टॉप करना शुरू कर देता है, ऑन ऑफ़ करने लगता है बटन्स को, ये देखिए आप देख सकते हैं, तो फिर उस टाइम पे ना मुझे बड़ा डर लगने लग जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ना वैसे सब कुछ मतलब सेफ है बट फिर भी थोड़ा सा डर रहता है। और इस तरीके से मेरी आरती हो गई है, और गाइज मतलब अभी मैंने कार्तिक के टाइम स्टार्ट किया था बृहस्पतिवार का व्रत करना, और आज मैं बिठा रही हूँ, और फिर जब जो मैंने मनोकामना मांगी है वो पूरी हो जाएगी तो फिर स्टार्ट करूँगी। तो बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि हर बृहस्पतिवार को केले के जड़ में जल डाल दूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं यहाँ बालकनी में आ गई जहाँ मेरे गमले में केला का पेड़ लगा हुआ है, पहले एक था अब एक से दो हो गए हैं, और यहाँ पर मैं दिया जल दिखा रही हूँ और फिर जल डालूँगी। तो कुछ इसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो कैसा लगा मेरा पूजा विधि, और जो कुछ भी था वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।